वेलकम टू माई चैनल इंडियन किचन। इंडियन किचन में आज मैं आपके लिए लाई हूँ बहुत ही मज़ेदार रेसिपी जो सर्दियों में अक्सर बनाई जाती है। जब सर्दियाँ ख़त्म होने वाली होती हैं बहुत ही पौष्टिक होती है, खाने में बहुत टेस्टी होती है। यहाँ पर हम बनाने जा रहे हैं छोलिया और मशरूम की सब्जी। छोलिया के साथ आपने मटर या पनीर तो कई बार बनाया होगा, आज हम मशरूम के साथ छोले की सब्जी बनाएंगे। इसको ग्रीन छोले भी बोले जाते हैं, ग्रीन चना। तो चलो हम झटपट से बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने सभी बेसिक मसाले लिए हैं, प्याज को और हरी मिर्च को काट लिया है, यहाँ पर टमाटर लिए हैं। बिल्कुल सिंपल तरीके से बनाएंगे और बहुत ही डिलीशियस बनेगी। तो चलो बनाना शुरू करते हैं। हम प्रेशर कुकर में बनाएंगे। यहाँ पर मैंने कुकर को गैस पर चढ़ा दिया है। सबसे पहले इसमें कुकिंग ऑयल डालेंगे, तेल को हम गर्म होने देंगे। यहाँ पर तेल अच्छे से गर्म हो चुका है। सबसे पहले हम इसमें जीरा डालेंगे, थोड़ी सी राई, कुटी हुई लाल मिर्च। अब इन तीनों चीज़ों को अच्छे से भून लेंगे एक मिनट के लिए। अब इसमें हम कटा हुआ प्याज और हरी मिर्च डाल देंगे और इसको गोल्डन ब्राउन होने तक अच्छे से भूनेंगे। यहाँ पर देखिए प्याज और हरी मिर्च अच्छे से भून चुकी है। अब इसमें हम टमाटर डाल देंगे जो हमने छोटे छोटे कट करके रखे हैं, और साथ में ही हम टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें नमक डाल देंगे। एक तो इसमें नमक डल जाएगा जितना हमें ज़रूरत है और टमाटर भी जल्दी से पक जाएंगे। अब इसको अच्छे से मिक्स करके अब तब तक पकाना है जब तक ये पेस्ट की फॉर्म में ना आ जाए। कटोरी लेंगे जिसमें हम मसाले डालेंगे जो जो हमने छोलिए में डाले हैं। सबसे पहले हम इसमें चाट मसाला डालेंगे, थोड़ा सा अमचूर पाउडर, रंग वाली लाल मिर्च, रेड चिली पाउडर, हल्दी, थोड़ा सा चना मसाला, इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है, धनिया पाउडर। इन सभी मसालों को हम इकट्ठे ही जब हमारा टमाटर पेस्ट की फॉर्म में आ जाएगा इकट्ठा ही डालेंगे। तो देखिए यहाँ पर मसाला अच्छे से पक चुका है, टमाटर अच्छे से गल चुके हैं। अब हम इसमें सूखे मसाले डाल देंगे जो हमने कटोरी में रखे थे और इनको अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए मसाले अच्छे से पक चुके हैं, अपना रंग छोड़ चुके हैं, तेल से अलग हो चुके हैं। अब इसमें हम छोलुआ डाल देंगे जो अच्छे से हमने धोकर रखा है, और साथ में ही हम इसमें मशरूम डाल देंगे। तो दोनों चीज़ों को हमने छोलिया और मशरूम को अच्छे से मसालों में मिक्स कर दिया है। अब हम इसको बिना पानी डाले एक मिनट तक ऐसे ही पकाएंगे ताकि मसाले मशरूम और छोलिए में अच्छे से कोट हो जाए। तो देखिए सब्जी हमारी अच्छे से मसालों में कोट हो चुकी है। अब हम जितनी ग्रेवी हमने रखनी है उतना पानी डाल लेंगे। एक बार हम मिक्स करके देख लेंगे, अगर पानी की ज़रूरत है तो डालेंगे, नहीं तो जितना आपको ज़रूरत है ग्रेवी की उतना ही पानी डालो। अब इसको बंद कर 4 से 5 सीटी आने तक अच्छे से पकाएंगे। हमने प्रेशर कुकर को बंद कर दिया है। अब इसको 4 से 5 सीटी आने के बाद खोल कर देखेंगे कि सब्जी हमारी अच्छे से पक जाएगी।
प्रेशर कुकर को खोल दिया था, इसकी स्टीम ठंडी हो चुकी थी। सब्जी हमारी बहुत ही अच्छे से बनकर रेडी हो चुकी है। तो देखिए कितनी मजेदार लग रही है सब्जी, खाने में बहुत टेस्टी बनी है। लास्ट में हम इसके ऊपर हरा धनिया डाल देंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो आपकी छोलिए और मशरूम की मजेदार सब्जी बनकर तैयार है और बहुत जल्दी से बनी है। आप इस रेसिपी को जरूर ट्राई करना, आपको बहुत अच्छी लगेगी। चावल के साथ, परांठे के साथ इस रेसिपी को आप ट्राई करो। मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।